देखिए भैया, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भैया, क्या क्या किया था? कैपेसिटेंस किया था ना। कैपेसिटेंस के मतलब जो भी टर्म्स सीरीज पैरेलल वगैरह, ठीक है भैया, वो किया था। और आज एक टॉपिक है, ठीक है, काफी फेमस टॉपिक है, उसमें कॉमन पोटेंशियल कहते हैं उसको, ठीक है, और उसमें एनर्जी का लॉस भी निकालना है, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं, ठीक है। वैसे ये चैप्टर आज की क्लास में खत्म होना चाहिए, ठीक है, तो खत्म कर देते हैं आज की, कल से न्यूमेरिकल चालू करेंगे। नहीं तो भैया देखिए, ऊपर गया, ठीक है भैया, यहाँ पे अरे भैया पहला जो टॉपिक है वो कॉमन पोटेंशियल है। क्या है भैया? कॉमन पोटेंशियल काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक बॉडी है जिसकी कैपेसिटी क्या है, सी वन है, और एक दूसरी बॉडी है जिसकी कैपेसिटी क्या है, सी टू है, ठीक है, ठीक है, दोनों कैपेसिटी क्या है भैया, सेम अलग अलग है। इसको मैंने भैया वी वन पोटेंशियल पर रख रखा है, और इसको क्या रखा है, वी टू पोटेंशियल पर। तो इसके अंदर स्टोर चार्ज क्या होगा भैया, सी वन वी वन, और इसके अंदर स्टोर चार्ज क्या होगा भैया, सी टू वी टू। टोटल इनिशियल चार्ज क्या होगा, क्यू वन प्लस Q2, यानी C1 V1 plus C2 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये बिफोर कनेक्शन है, क्या है भैया, बिफोर कनेक्शन। जब तक आपने दोनों कनेक्ट नहीं किया था तो इसके अंदर चार्ज इतना था, इसके अंदर चार्ज इतना था, और इसके पास इन दोनों सिस्टम के पास कुल चार्ज आपका इतना था। अच्छा देखिए भैया, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास, इस वाले कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर क्या है, C1 है, और इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया अच्छी बात है। तो भैया इनिशियल चार्ज तो आपका इतना, और इनिशियल एनर्जी कितनी है भैया पूरे सिस्टम पे, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया, ठीक है, ये बिफोर कनेक्शन का सीन से पार्ट था, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद में क्या होगा, तो आपको पता है भैया कनेक्शन के बाद में दोनों बॉडी एक दूसरे को चार्ज लेना देना चालू कर देंगी। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लो चार्ज, लो पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्ज देगी। कब तक देगी, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, आइडेंटिकल ना हो जाए। याद नहीं आता, मैंने द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, है ना भैया, यही था। तो भैया वही करते हैं, और हम दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन नहीं है हमारे में, ठीक है भैया। तो अभी क्या हुआ, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल दोनों क्या हुआ, सी हो गया, वी भी हो गया, आइडेंटिकल हो गया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, सेम ना हो जाए। तो भैया सेम हो गया पोटेंशियल, और इसका भी वी, इसका भी वी, इस पे चार्ज क्या है भैया, क्यों क्या था भैया, अच्छा तो छोड़ो इसको, अभी चार्ज छोड़ दीजिए। इसका कैपेसिटेंस क्या था भैया, सी वन, इसका क्या था भैया, सी टू। अच्छा इसके अंदर चार्ज कितना आएगा, हाफ सी टू वी स्क्वायर। अच्छा फाइनल कुल चार्ज, फाइनली कितना चार्ज आ गया भैया, तो आप देखोगे भी आ जाएगा, चार क्या लिख रहा हूं मैं, कहां से लगे थी मार्ग, क्या भैया सी वन वी, और दूसरे क्या भैया सी टू वी, तो फाइनल क्या होगा भैया, क्यू वन प्लस क्यू टू, तो क्या होगा सी वन वी प्लस सी टू वी, कोई दिक्कत तो नहीं है, वी कॉमन लीजिए तो सी वन प्लस, हे भगवान, ये क्या है भैया फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है भैया सेकंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भैया, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू में फाइनल चार्ज, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कुल चार्ज की वैल्यू क्या होगी भैया, सेम रहेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भैया, इनिशियल टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू में टोटल फाइनल चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, चलो अच्छी बात है। ये दोनों क्या हो गया भैया, इनिशियल चार्ज क्या है भैया, हाफ सी वन वी प्लस सी टू वी टू, और ये क्या होगा फाइनल क्या आ गया भैया, वी सी वन प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया वी की वैल्यू क्या आ गई, सी वन वी वन सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अब बोलोगे एनर्जी का कई यूज है, क्या भैया
यहाँ पे एनर्जी भी तो लिखी है, इसका कहीं यूज ही नहीं हुआ, कॉमन पोटेंशियल तो निकाल दिया मैंने, क्या क्या करेंगे इसका। तो भैया एनर्जी का यूज ये है कि भैया एनर्जी जो हमारी निकाल दी हमने इसका, इसका पर्पस ये है कि आपको पता है जब हमने कनेक्शन किया तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हुआ हुआ था ना, और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का फ्लो हो रहा है तो वहां पर इसका मतलब एनर्जी यूज हो रही होगी, वर्क हो रहा होगा, और जहां वर्क होता है वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। पता नहीं पता, जब चार्ज फ्लो करेगा वायर के थ्रू, तो जब चार्ज वायर के थ्रू फ्लो करता है तो वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, और जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट, क्या आता है, क्या आता है, जहां पर चार्ज का फ्लो होगा करंट आएगा, और करंट है रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, यानी एनर्जी का लॉस होगा। तो उसी एनर्जी के लॉस के लिए बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन दोनों एनर्जी को आप, कौन सी एनर्जी याद होगी, इनिशियल एनर्जी याद होगी या फाइनल एनर्जी याद होगी। चलो पहले इसे फोटो ले लीजिए, बाद में बात करते हैं, ये क्लियर है भैया सबको। कॉमन पोटेंशियल क्या है भैया, कि पहले दो कैपेसिटर अलग अलग थे, दोनों का पोटेंशियल भी क्या था, अलग अलग था, लेकिन कनेक्शन कर दिया तो दोनों का क्या हो भैया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और कब तक हुआ, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, समान ना हो जाए, एक जैसे ना हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई कॉपी करो, फोटो नहीं सही है तो बक्कल ताड़ दूंगा। अगर आपको याद हो जब मैंने, ए भाई प्लीज, कैपेसिटर का यूज क्या होता है भैया, देखिए हमारे पास जो सप्लाई आती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, पता नहीं पता, नहीं पता, एसी होती है, क्या होती है, अल्टरनेटिंग, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, लगातार फ्लक्चुएट करता अपनी वैल्यू को। अगर वो अगर ये कैपेसिटर निकाल दूं और डायरेक्ट पंखे को ज्वाइन कर दूं ना, तो पंखा क्या होगा, ठाई खत्म, ठीक भैया, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज की वजह से क्या होगा, फूट जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि वोल्टेज फिक्स रहे, उसी के लिए हम कहते हैं भैया कैपेसिटर का यूज, ठीक है। तो खैर कैपेसिटर का यूज जो होता है जेनर डायोड के साथ ज्यादा समझ में आएगा, जेनर डायोड आपका चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर में है, तब पढ़ेंगे तब अच्छे से करेंगे, अभी इसका कोई खास यूज नहीं है, समझ लेना, ठीक है भैया। पंखे के अंदर तो अभी कोई यूज नहीं करना। कोई क्वेश्चन है बेटा आपको, कुछ पूछना है, हैं, अब आए हो आप, एक टॉपिक हो गया, अब क्या करें, आगे करो, अभी बक्कल तार दूंगा, ये नहीं है तरह, वो तो पीछे वाला कैसे करेगा, इसी पे डिपेंड है पूरा। अगले बैच में इतनी यार फिर फायदा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, देख ले रिकॉर्डिंग, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। बिटो भाई अब हम बात कर रहे हैं, ये पता किसकी, अब केवल एनर्जी की बात हो रही है, कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया हो रहा, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए भी आता सब्जेक्टिव में, अब तो सब्जेक्टिव भी हो गया, तो एक ही टर्म होगा फाइनल टर्म, ठीक है। पहले ये भी था कि चलो इस टर्म में फेल है तो अगले टर्म में उम्मीद थी, अब इस अब तो एक ही टर्म हो गया, फेल तो फेल खत्म। ये देखिए भैया, तो आपने देखा भैया, यार मुझे तो याद है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, फोटो ले लिए, बढ़िया फोटो आई है, कटहत। तो भैया लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, कह रहा भैया जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो उस वक्त एनर्जी का कुछ लॉस हुआ था, याद नहीं आता कैसे, जब चार्ज आ रहा था हायर से लोअर की तरफ, तो भैया जब चार्ज हायर से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा था तो वायर के अंदर क्या आया, करंट आया, और जब करंट आएगा तो भैया क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस है, और वायर के पास तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस करंट जब दोनों आते हैं तो आई स्क्वायर आर टी, सुना होगा आपने आई स्क्वायर आर टी, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आता है, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। यानी एक बात बताओ, कौन सी एनर्जी याद होगी, इनिशियल एनर्जी या फाइनल एनर्जी, लॉस बोल रहा हूं, एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो कौन सी एनर्जी याद होगी, इनिशियल या फाइनल, जाहिर सी बात है लॉस हुआ तो जाहिर सी बात है बाद की एनर्जी क्या होगी, कमी होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो क्या होगा, डेल्टा यू लिख देते हैं इसको, और ये क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी क्या थी भैया, याद आपको, हाफ सी वन वी स्क्वायर, दूसरी क्या थी भैया, दूसरे कैपेसिटर की, हाफ सी टू वी स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल क्या था, सेम हो गया था, इसकी एनर्जी ये रही और इसकी एनर्जी ये रही, दोनों की फाइनल एनर्जी ये थी, माइनस इनिशियल कितनी भैया, इन दोनों की, याद है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ये फाइनल होगी, ठीक है। अभी हमने क्या किया भैया, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, ले सकते हैं भैया, बिल्कुल ले सकते हैं, सी वन प्लस सी टू,
ठीक है भैया, माइनस हाफ कॉमन ले लीजिए यहां से भी, तो क्या होगा सी वन, पंखा स्लो आएगा इसको, हेलो मुझे गर्मी लग रही है, वी टू तो आएगा, जो आएगा कहाँ पे, क्या मेरा यहाँ कर रहा है, यही बोल रहा था क्या मैं, सी वन वी वन स्क्वायर और सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है ये हो गया, कुछ नहीं किया अब मैं डायग्राम मिटोने जा रहा हूँ भैया, ठीक है मिटो तो डायग्राम अबे, लेकिन पता कैसे चलेगा, अच्छा हाँ ठीक है, ये है फर्स्ट, अब तू चुप रहना बोल लो, ठीक है समझ गया भैया, इनिशियल इन दोनों के पास कुल इतनी एनर्जी, सॉरी फाइनल इतनी एनर्जी थी मेरी, और इनिशियल आपकी इन दोनों की एनर्जी थी, ठीक है किसकी है भाई, इसे थोड़ी ना मिटो रहा हूं मैं, नॉनसेंस बुरा तो नहीं मारेगा, मान भी आगे तो करके लेगा भी तो, ठीक है देखिए भैया अंकित से बोल अगले जन्म में आए और मेरे को हराने के लिए कम से कम 6-7 साल प्रैक्टिस करे, उसके बाद हारूंगा मैं, आपकी बार बोलेगा ना अंकित मैच लगाने के लिए, मैं कहूंगा बाप को बुला चल तेरे बस की नहीं है, उसके पाव बल्ले वास्ते बहुत तगड़े हाँ V की वैल्यू क्या है भैया, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू याद है आपको, C1 V1 plus C2 upon में C1 plus C2 है ना, याद है का होल स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया C1 plus C2, और ये है भी आपका C1 V1 square और C2 V2 square, ठीक है ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, देखिए सॉल्व करना बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपके लिए ये भी सैक्रिफाइस करूंगा, देखिए भैया इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर बोलो हाँ, इसका स्क्वायर करो तो सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर बोलो हाँ, क्या होगा 2C1C2V1V2 बोलो हाँ, नीचे C1 plus C2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, ये स्वास्तिक का कटा है तो इसका भी कटेगा, C1 plus C2 कटेगा भैया, चलो अभी आ रहे भैया C1 V1 square और C2 V2 square, ठीक है भैया अब इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन, ये है भैया आपका सेकंड नंबर का फोटो ले, फोन रख दे बाबू, फोन चला के क्या फायदा, रख दे दूसरी पैसे लेता हूँ इसका अलग से, 10 रुपए ऐड कर लिए फीस में बेटा, तो भाई देख रहा है ऐसा कर दिया बोल ढील नहीं सकता, ये तुम्हारे जाने के बाद कल मैंने वही किया मैंने, पर देखिए भैया अभी क्या करना है आपको, हाफ ध्यान दीजिए भैया, C1 V1 square square C2 V2 square square 2 C1 C2 V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा देखिए इसकी, देखिए इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, 1 ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए पूरे का, क्या आ गया C1 plus C2, कोई दिक्कत तो नहीं है, और एलसीएम लिया तो यहां पर ये क्या हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ C1 V1 square plus C2 V2 square और ब्रैकेट में C1 plus, ये हो गया, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, ठीक हाफ ये क्या होगा, देखिए कितनी लंबी कैलकुलेशन है, जिनके पास बायो होगी वो तो भाई 4 बार रटेंगे इसको, गारंटी है मैथ वालों को दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है इसलिए कहता था मैथ ले लो नहीं तो बायो ही लेनी है, हर नर नारी को बगैर मैथ के तो चलना ही नहीं है, चलो इसकी मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा भैया, या तो इसकी इसमें कर दो, इसकी कर दो, तो चलो कर दो, इसको मल्टीप्लाई में कर दो, C1 square B1 square, ठीक है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्या हुआ C1 C2 V1 square, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हुआ C1 C2 V2 square, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्या हुआ C2 square V2 square,
पूरे का C1 प्लस C2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसमें कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन करोगे आप ऐसे फॉर्मूले पे, इस वाले फॉर्मूले। अब देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ये 90 बन गया, ये इससे कट गया, कट गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई है तो नेगेटिव बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ये भी नेगेटिव बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो क्या हुआ, ये कट गया। ठीक है भैया, अब देखिए, अब हमारे पास बचा क्या बेसिकली, देखिए जगह नहीं है, फोटो खींच भाई ऊपर वाला। हाँ सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा, कहाँ से किया था मैंने, यहाँ से भैया। थर्ड तीन दिख रहा है, अपने मम्मी को समझा, अपने पापा को, समझ गया, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा भैया हाफ, क्या होगा भैया देखिए, C1 C2, चलो खैर अभी एक अलाइनमेंट में लिख ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या होगा भैया, नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। चलो भैया तो ये हो जाएगा भैया आपका 2C1 C2 V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके मल्टीप्लाई में तो क्या हुआ C1 C2 V1 स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा -C1 C2 V2 स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया भैया C1 प्लस C2। ये फोटो खींच ली तूने, भाई ये कहाँ खींची अभी तूने साले, ठीक है माइनस कॉमन ले लो भैया, -C1 C2 कॉमन ले लो, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा -C1 C2 कॉमन आ गया और नीचे क्या होगा हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब में से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2V1 V2 माइनस में आएगा, ये क्या प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखिए भैया इसको आगे लिखते हैं, तो अगर आप देख रहे हो भैया तो किसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्या लिख दिया हमने V1 प्लस V2 और माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया अपॉन में क्या है भैया C1 प्लस C2, अरे क्या हुआ 2C1 C2 और इसके आगे क्या लगा दीजिए माइनस, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है लॉस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है। चल था हे भैया खत्म, ठीक है, ठीक है भैया, खास कॉन्सेप्ट बाय समय पंडित, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज करके छोड़ दिया, ठीक है, और चार्ज करके छोड़ दिया और इसके अंदर क्या बेल दिया डाइलेक्ट्रिक, क्या बोल दी भैया डाइलेक्ट्रिक, चार्ज करके छोड़ दिया और क्या ठूस दिया इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक, और एक कैपेसिटर है जिसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और फिर चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, चार्ज चार्ज कैपेसिटर है ये, मतलब चार्जिंग नहीं हो रही है इसकी और ये चार्जिंग हो रही है इसकी, क्या हो रही है भैया चार्जिंग हो रही है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया आपको याद है भैया कि अगर मान लीजिए स्पेस स्टार्टिंग में जब हमने ये चार्ज किया था कैपेसिटर, ठीक है भैया, और ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी थी ई नॉट, अब जब ये हमने चार्ज कर दिया था तो ये प्लेट कैसी होगी पॉजिटिव, बोलो हाँ, और ये क्या होगी भैया, अब इसके अंदर पूरा स्पेस था और स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं भैया ई नॉट, क्या लिखते हैं भैया, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया एप्सिलॉन आर, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद है नहीं याद है, क्योंकि भैया जैसे हम डालेंगे उसके अंदर तो वैसे ही क्या हो भैया पोलराइज जाएगी डाइलेक्ट्रिक, क्या होगी जब पोलराइज जाएगी डाइलेक्ट्रिक तो अपनी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम होगी जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, तो भैया नई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने मीडियम डाल दिया तो क्या हो भैया वैक्यूम से एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगी भैया डिक्रीज कर गई, कम कर गई, ठीक है भैया समझ गया नहीं समझे, अब देखिए भैया वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई नॉट थी, क्या थी भैया ई नॉट थी, लेकिन तभी आपने जब चार्ज कर दिया था, चार्ज करने के बाद जब आपने देखा कि भैया चार्ज हो चुका है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट है, तो आपने उसको पूरा ठूस दिया क्या डाइलेक्ट्रिक, जिसका कॉन्स्टेंट क्या था एप्सिलॉन आर, तो आपको पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कम हो जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, तो मैंने बताया था वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में, अब कल फॉर्मूला तो बताया था निकम्मो एप्सिलॉन आर का ई नॉट अपॉन में ई एम, याद है? तो ये क्या होगा, ई एम की वैल्यू क्या होगी, ई तो होगी, बोला हाँ चलो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, कम होगी, डिक्रीज कर गई, क्या होगी भैया? अच्छा पोटेंशियल क्या होगा भैया बताइए, पोटेंशियल होता क्या, मैंने बताया था आपको पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू में सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितनी होगी, ई नॉट एप्सिलॉन आर इनटू में डी, तो क्या हो भैया, ई नॉट इनटू में डी क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा, बोलो हाँ वी नॉट ही तो होगा, ई नॉट इनटू में डी क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल भी क्या हो भैया, डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल भी क्या हो भैया, डिक्रीज कर गया। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अच्छा देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस, ठीक है भैया इसका कैपेसिटेंस देखिए भैया, तो क्या होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी, ये क्या होगा भैया, इंक्रीज कर जाएगा, पहले तो वैक्यूम था तो ये एक था, लेकिन आपने इसको डाल दिया तो क्या हुआ, ये इतने टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। अच्छा देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी एनर्जी क्या होगी इसके अंदर मीडियम की, तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटेंस विद मीडियम और पोटेंशियल विद मीडियम का स्क्वायर, ये तो भैया सी वी स्क्वायर होता ना, तो भैया देखिए सी एम की वैल्यू क्या होगी, क्या है भैया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी, और क्या होगा वीएम का स्क्वायर, वीएम क्या है भैया, वी नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिटो दो अभी, समझ गए होगे, ठीक है अभी लिखवाऊंगा मैं अपने हिसाब से, ठीक है अब देखिए, तो यूएम क्या हो जाएगा आपका, देखिए भैया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, इसके एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, और ये क्या होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भैया आपका एप्सिलॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये और ये क्या हुआ कट मर गए, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ सी नॉट हो गया, क्या हो गया भैया आपका सी नॉट, और ये क्या हुआ वी नॉट स्क्वायर, और ये क्या नीचे एप्सिलॉन आर, तो ये क्या हो गया एनर्जी का फॉर्मूला कब, जब पूरा क्या था इसके अंदर स्पेस था, जब पूरा स्पेस था तभी तो ये क्या हुआ कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और पोटेंशियल विद वैक्यूम, तो क्या हुआ एनर्जी वैक्यूम वाली है ना, तो यूएम इक्वल्स में यू नॉट अपॉन में के एप्सिलॉन आर, यानी एनर्जी भी क्या होगी भैया डिक्रीज कर गई, एनर्जी भी क्या होगी भैया आपकी डिक्रीज कर गई, ठीक है भैया। एनर्जी डेंसिटी देखिए, एनर्जी डेंसिटी क्या थी हाफ एप्सिलॉन मीडियम, और क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम स्क्वायर, यही था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, अब एप्सिलॉन ई स्क्वायर था ना, तो भैया आपको पता है भैया कि जब आपने इसके अंदर वो डाल दिया तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन नॉट सॉरी ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर, यही है, तो ये हो जाएगा आपका भैया हाफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, और क्या होगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हो भैया कैंसिल हो गया, बोलो हाँ, तो ये क्या होगा एनर्जी डेंसिटी क्या होगी भैया, अब जब मीडियम डाल दिया आपने चार्ज कैपेसिटर के अंदर, ये हो गया भैया, मतलब एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी भैया एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगी भैया डिक्रीज कर गई, एक बार ये और समझिए इस चीज को, ठीक है भैया, एक कैपेसिटर था जो फुली चार्ज था, ठीक है भैया फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर इसके अंदर क्या डाल दी भैया डाइलेक्ट्रिक, इंसर्ट आर डाइलेक्ट्रिक ऑफ कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर, हमने क्या कर दिया इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए जिसका कॉन्स्टेंट क्या था भैया एप्सिलॉन आर था, तो आपको पता भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत कम हो जाएगी, बोलो हाँ कम हो जाएगी ना, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस मीडियम में, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में आपका इतना रखा है डिस्टेंस ये रहा, आपने ई नॉट इनटू में डी कर दिया तो क्या हो गया वी नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, मतलब पोटेंशियल भी क्या हो गया डिक्रीज कर गया। अब देखिए भैया कैपेसिटेंस क्या होता है भैया, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा सी नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर, ये क्या है भैया आपका सी नॉट है, ये क्या है भैया उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा भैया इंक्रीज होगा, ठीक है भैया। अच्छा एनर्जी क्या होती है भैया कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इनटू में पोटेंशियल ऑफ मीडियम, ठीक है भैया, तो कैपेसिटेंस क्या है भैया आपको पता है यहां से देख लीजिए कैपेसिटेंस ये रहा, ठीक है मीडियम का, और पोटेंशियल क्या है भैया ये रहा कहां के, ये रहा, ठीक है भैया सॉल्व कर लिया, तो आपने देखा भैया कि एनर्जी भी क्या होती है भैया
एनर्जी ऑफ मीडियम क्या होगी, डिक्रीज करके कितने टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है भैया। एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी भी उनको सेम कर दिया, समझ गया भैया। अब फिगर पर मीडियम पोस्ट में इलेक्ट्रिक डाल करके चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया। अब देखिए भैया, डाइलेक्ट्रिक डाल के चार्ज करेंगे तो क्या होगा, मिटो दो इसको यार भी। क्या जिंदगी है दूसरा, चार बार लिखो चार बार मिटो, खत्म ही कर दूंगा। ठीक है भैया, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दी है ना, अब उसके बाद चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा भैया। डाइलेक्ट्रिक डाल दी तो अब आपको पता है भैया कि जब आप चार्ज कर रहे हो तो इस बैटरी का जो भी पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा, मतलब पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी भैया, क्योंकि आपको पता है भैया ये डी तो कॉन्स्टेंट है, क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ इस मीडियम का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का, वो क्या है भैया, इस बैटरी के पोटेंशियल क्या होगा भैया, बराबर होगा, क्योंकि आप कनेक्ट करके रखा हुआ है आपने, और आप किसी भी चीज को अगर बैटरी से कनेक्ट कर दे तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है उतना क्या होता है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आता है। तो अभी आपने तो इसको कनेक्ट कर रखा ना, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी मीडियम का पोटेंशियल इक्वल उसमें क्या हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल 40 टन। दूसरा भैया आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, पोटेंशियल ऑफ मीडियम अपॉन में डी होता है, याद है। तो भैया देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रखा है, वी नॉट अपॉन में डी, पोटेंशियल ऑफ मीडियम क्या रखा है, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना इतना होगा, तो क्या भैया ये क्या होगा, ई नॉट के बराबर होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बीच कोई चेंज, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपने डायरेक्टर डाल दिया तो भैया डायरेक्टर डालते के साथ ही कैपेसिटेंस हमेशा ही क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट, बोलो हाँ, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी भैया, और पोटेंशियल भी क्या रहा है भैया, सेम रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए भैया चौथा पॉइंट, ठीक है, क्या क्या बोला ना, एनर्जी डेंसिटी ना, एनर्जी यूएम इक्वल्स टू हाफ सी एम, और क्या होगा, वी एम स्क्वायर, बोलो हाँ, हाफ सी एम की वैल्यू क्या रखी है, के एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट, बोलो हाँ, और क्या वी एम की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, वी नॉट आएगा ना, वी नॉट आएगा स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन आर बाहर निकाल दो, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ यू नॉट, मतलब मीडियम की नई एनर्जी क्या होगी भैया, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगी भैया, अच्छा चार्ज स्टोर क्या होगा, यहाँ पे चार्ज भी निकाल दे रहा हूँ, तो चार्ज क्या होगा भैया, चार्ज होगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम पोटेंशियल ऑफ मीडियम, बोलो हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या भैया, के टाइम एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया ये, और पोटेंशियल क्या होगी भैया, उतना ही हुआ, यानी क्या होगा, चार्ज यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन टाइम्स, ये सी नॉट वी नॉट क्या होता है, क्यू नॉट होता है, सी नॉट वी नॉट क्या होगा, क्यू नॉट होगा, यानी जो चार्ज स्टोर किया इसने वो क्या है भैया, अब एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगी भैया, इंक्रीज कर गया, ठीक है भैया। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, अब वो एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, बोलो हाँ, परमिटिविटी जो होगी होगी, और पोटेंशियल क्या होगा भैया, अच्छा ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वही होगी, बोलो हाँ, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी, यहाँ पे तो ना ईएम की वैल्यू वही है, ई नॉट के बराबर, तो भैया क्या होगा ये, इसको अलग कर दीजिए तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट स्क्वायर, तो क्या हो भैया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मीडियम इज द एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है भैया। तो ये हो गया, फटाफट फोटो ले लेता हूं, उसमें चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पिछले वाले में चार्ज जो है ना, तो देखिए क्या होगा, पिछले वाले में चार्ज देख लीजिए, तो पिछले वाले में चार्ज क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम और पोटेंशियल ऑफ मीडियम, बोलो हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या था, एप्सिलॉन टाइम्स क्या हो गया था, बढ़ गया था, बोलो हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन टाइम्स बढ़ गया, लेकिन पोटेंशियल क्या हुआ था, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होता, कम हो गया था, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्यूएम इक्वल्स में क्या था, क्यू नॉट के बराबर, सी नॉट वी नॉट क्या होगा, क्यू नॉट हो जाएगा, मतलब उस केस में चार्ज तो नहीं चेंज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, और चार्ज का होता भैया, उतना ही रहता है, यहाँ पर जो जो चीज बदलती है ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया, ये किसी बुक में लिखा हुआ पहले बता दे रहा हूँ, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे आते हैं, फोड़ ली, बड़ी गर्मी लग रही है यार, तो है ना, जहर लग रही है, नहीं नहीं वेट स्टोरेज ये केस था इसी में, ठीक है भैया, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन का, ठीक है, वो कर रहे हैं,
क्या है स्पेशल कॉम्बिनेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ठीक है भैया। तो इसे कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। आप पढ़ोगे इसके बारे में ठीक है भैया, थर्ड चैप्टर में भी। कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगे होंगे यहां पर, C1, C2, C3, C4, C5। वो त्रिचर को पता है, पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा भी है ना। तो कह रहा भैया इस वाले कैपेसिटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? कब? जब C1 अपॉन में C3 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन में C4, जब ये रेशियो आएगा तो इसको हटा देंगे। तो ये क्या बनेगा सर्किट आपका, बीच वाला तो हट गया। ये क्या है C1, ये क्या है भैया C2, ये क्या है C3, और ये क्या है बीच वाला हट गया, और ये क्या भी है बैटरी है। अब ये दोनों किसमें है, ये किसमें है सीरीज में, नीचे वाले किसमें है, और इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या है आपस में, समझ गए भैया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है ठीक है भैया, फोटो ले। तो मिलते हैं अभी अगली क्लास में, नोट्स तैयार कर लेना आपने ठीक है, गर्मी ज्यादा है, बाहर मत निकलिए, काम करते रहिए, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अभी तो उनकी क्लास लेट में चालू होगी।